सो हेलो गाइस, मैं हुसैन सैनी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक वॉइस सैनी में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूं ओप्पो F19 प्रो प्लस का फुल कैमरा रिव्यू। और गाइस, इस फोन का जो कैमरा रिव्यू है उसमें भी आपको काफी सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, बात करें फोन के कैमरास की तो बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड मैक्रो कैमरा। और गाइस, यहां पे जो मोनोक्रोम सेंसर है उनका कॉम्बिनेशन भी आपको 22 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ मिल जाता है, जो कि लो लाइट में आपको ब्राइट इमेज प्रोवाइड करता है। और फोन के फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है 2.4 अपर्चर के साथ। और गाइस, यहां पे जो फोन का प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, वहां पे आपको ना ही तो सोनी का और ना ही सैमसंग का सेंसर दिया गया है, यहां पे आपको ओमनी विजन का OV48B कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि लो लाइट कंडीशन में अच्छी फोटो प्रोवाइड करता है। सो गाइस, ये सब तो होगी कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बातें, लेकिन अब हम चलते हैं फोन के फोटो और वीडियो सैंपल्स की तरफ। और सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे नाइट मोड कैमरा की। गाइस, अभी आप ये जो फोटो देख रहे हो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के नॉर्मल मोड से ली गई है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि रूम में कितनी डार्कनेस थी। और गाइस, जो भी फोटोज मैंने शूट किए हैं सब डे टाइम में ही किए हैं, लेकिन रूम को क्लोज करके। तो चलिए, मैं आपको ओप्पो के कैमरा सैंपल्स की तरफ ले चलता हूँ। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे नॉर्मल मोड और नाइट मोड को देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे आपको ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता दोनों ही मोड्स में, बस जो नाइट मोड है उसमें हल्का सा जो शेडोज वगैरह है वो थोड़े लाइट है। और गाइस, इस फोन का जो कैमरा है वो पहले से ही आपको ब्राइट फोटोज प्रोवाइड करता है, सो यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। और बात करूँ मैं दूसरी फोटो की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मेन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसमें जो शार्पनेस है और कलर कंट्रास्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी उसके अलावा सभी चीज़ें बिल्कुल सेम है। और गाइस, यहाँ पे नाइट मोड में ही आपको एक अल्ट्रा स्टडी मोड देखने को मिलता है, जिसके फोटोज मुझे सबसे बेस्ट लगे। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उस पर भी काफ़ी अच्छे ढंग से फोकस किया गया है, और जो कलर्स वगैरह है वो भी सही से मेंटेन होते हैं। बस यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि आपको इस मोड में फोटो शूट करने के लिए फोन को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना होता है, और ना ही तो फोन को मूव होना चाहिए उन 30 सेकंड्स में, और ना ही जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फोटो आप क्लिक कर रहे हो वो उस जगह से मूव होना चाहिए। और गाइस, नेक्स्ट ये फोन के नॉर्मल मोड और AI हाईलाइट मोड की फोटो आप देख सकते हो, इन दोनों में भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सो गाइस, मैं बात करूँ ऑल ओवर नाइट मोड की, तो जो फोटोज की क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको ब्राइट तो देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप फोन में ही कंपेयर करोगे नॉर्मल मोड और नाइट मोड को, तो वहां पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और हालांकि अगर आप दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इस स्मार्टफोन की जो फोटोज है वो अच्छी खासी ब्राइट देखने को मिल जाएगी, लेकिन गाइस यहाँ पे जो फोटोज की क्वालिटी है वो ब्राइट तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा बेटर नहीं कह सकते, नॉर्मल फोटोज जो है आपको नाइट मोड में देखने को मिल जाती है। और आगे अब हम चलते हैं डे लाइट फोटोज की तरफ, और ये जो फोटो अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मल मोड की, और यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है यानी कि सब्जेक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छे ढंग से विजिबल है, और साथ ही जो कलर्स वगैरह है, शार्पनेस है, वो भी अच्छे से मेंटेन हो रही है फोटो में। और गाइस, नेक्स्ट आप यहाँ पे जो नॉर्मल मोड की फोटो है और AI इफेक्ट के साथ जो फोटो है वो देख सकते हो। और गाइस, जो AI इफेक्ट है वो डे और नाइट दोनों टाइम में काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में अगर लाइट ज़्यादा है या कम है तो AI हाईलाइट मोड जो है सब्जेक्ट के बैकग्राउंड की लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो जो नॉर्मल मोड की फोटो है उसमें फेस थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई देता है, क्योंकि पीछे की तरफ धूप है और ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन AI हाईलाइट मोड के साथ जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है और फेस पे आप जो है डिटेल्स अच्छे से देख सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट्रेट फोटोज़ की तरफ, और फोन में आप अलग अलग स्टाइल से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। और इस फोटो में आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड ब्लर है काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, साथ में जो एजेस हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फोटो को जूम करके देखते हो तो जो एजेस है वो थोड़ा डिसऑर्डर में लगते हैं, लेकिन अगर आप बिना जूम किए हुए ओरिजिनल फोटो देखते हो तो वो बिल्कुल सही लगते हैं। और इसके बाद आप सेकंड फोटो में नोटिस करोगे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, लेकिन साइड की जो चीज़ें हैं वो फोकस्ड है, यानी कि कुछ फोटोज़ में हो सकता है ब्लर जो इफेक्ट है वो अच्छे से अप्लाई ना हो, कुछ प्लेसेस मिस हो जाए। इसके बाद AI कलर पोर्ट्रेट शॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, सो यहाँ पे भी ये जो इफेक्ट है काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है। और इससे नेक्स्ट ये अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस, इसके अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट में मेरे को एक चीज़ काफ़ी सही लगी कि यहाँ पे आपको कोई भी कलर शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती नॉर्मल मोड की फोटो में और अल्ट्रा वाइड की फोटो में, क्योंकि काफ़ी सारे स्मार्टफोन में ये इशू रहता है जो अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटो ली जाती है उसमें कलर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट फोटो आप 10x जूम के साथ देख सकते हो। और गाइस, मैंने दोनों फोटो जो है सेम डिस्टेंस से अलग अलग क्लिक की है,
तो यहाँ पे फोन में जो है 10x डिजिटल जूम मिलता है, ना कि कोई टेलीस्कोपिक लेंस। सो जूमिंग पावर के मामले में आप फोन को ज्यादा कुछ खास मत समझिएगा, बिल्कुल नॉर्मल जो डिजिटल जूम से आप फोटो ले सकते हो वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप फोन के मैक्रो शॉट देख सकते हो। और गाइस फोन में वैसे मैक्रो कैमरा की जरूरत नहीं होती 2 मेगापिक्सल की, क्योंकि फोन में अगर आप नॉर्मल मोड में 2x 3x जूम करके किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट की फोटो शूट करना चाहो तो आपको सेम रिजल्ट्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आप सेल्फी कैमरा की फोटोज देख सकते हो। और गाइस सेल्फी कैमरा में भी नाइट मोड दिया गया है। सो यहाँ पे एक फोटो नाइट मोड की है, एक नॉर्मल मोड में और एक स्क्रीन फ्लैश के साथ। और गाइस ये सेम उसी कंडीशन में है जो फोटो मैंने सबसे फर्स्ट में दिखाई थी, जो डार्कनेस रूम में थी उसी डार्कनेस में। सो यहाँ पे जो नॉर्मल मोड की फोटो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि फोन के कैमरा में एक्सपोजर जो है पहले से ही ज्यादा है, और अगर हम स्क्रीन फ्लैश के साथ या फिर नाइट मोड में फोटो लेते हैं तो एक्सपोजर और ज्यादा ऐड हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप ये सेल्फी कैमरा की फोटोज देख सकते हो। और यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड नंबर की फोटोज है वो ब्लर इफेक्ट के साथ है, और जो ब्लर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, साथ में जो स्किन टोन के कलर है वो भी सही है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप फर्स्ट एंड सेकंड फोटो में नोटिस करोगे पीछे की तरफ धूप है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है बैकग्राउंड की वो सही नहीं है। लेकिन थर्ड फोटो में पीछे की तरफ धूप नहीं है, नॉर्मल कंडीशन की फोटो है, इसमें काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। सो यहाँ पे आप जितनी बार देखोगे अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइटिंग है तो वहाँ पे जो है लाइट्स कंट्रोल नहीं होती, ये छोटा सा एक इशू मुझे सेल्फी कैमरा में लगा। और साथ ही फ्रंट कैमरा से भी आप AI कलर मोड में फोटोज शूट कर सकते हो, लेकिन वही माइनर सा आपको एजेस में इशू देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे फोन के बैक कैमरा की नॉर्मल वीडियो देख सकते हो। गाइस आप फोन के बैक कैमरा से 4K तक वीडियोस शूट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 FPS का ही ऑप्शन है, यानी कि आप चाहे 4K वीडियो रिकॉर्ड करो या फिर 1080p पे, आप नॉर्मल 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो की जो क्वालिटी है ठीक, और बैकग्राउंड भी अच्छे से विजिबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे AI हाईलाइट मोड इनेबल होने के बाद आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़े से पंची हो जाते हैं, और साथ में जो स्टडी मोड है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। सो जो फोन का स्टडी मोड है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इसके अलावा आप देखोगे जो स्किन है AI हाईलाइट मोड में थोड़ा सॉफ्ट नजर आती है, बाकी उसके अलावा बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन है। और इसके साथ ही आप फोन के बैक कैमरा से अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियोज शूट कर सकते हो, जिससे एक वाइड एरिया कवर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात अच्छी है कि नॉर्मल मोड में और अल्ट्रा वाइड एंगल में कोई भी कलर्स वगैरह में चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड या फिर AI मोड जो है सपोर्ट नहीं करता अल्ट्रा वाइड एंगल में। और गाइस ये जो वीडियो है फोन के फ्रंट कैमरा से है, और यहाँ से आप ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाजा लगा सकते हो, साथ में फ्रंट कैमरा में आप 1080p तक वीडियोज शूट कर सकते हो। साथ ही फ्रंट कैमरा में भी अल्ट्रा स्टडी मोड दिया गया है, लेकिन बैक कैमरा से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम स्टेबल है, और इतना डिफरेंस तो फ्रंट और बैक कैमरा में मिलता ही है। साथ ही ये जो वीडियो आप देख रहे हो फोन के फ्रंट कैमरा में AI हाईलाइट मोड इनेबल्ड करने के बाद, और यहाँ पे आप जो कलर्स वगैरह हैं बैक साइड के वो देख सकते हो, थोड़े ज़्यादा ग्रीन आपको नज़र आ रहे हो, और साथ ही पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी सब अभी आप नोटिस कर सकते हो। और फोन के बैक कैमरा से 1080p तक स्लो मोशन वीडियोज शूट कर सकते हो, और स्लो मोशन वीडियोज में जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें थोड़ा डाउनग्रेड जरूर से देखने को मिलता है। और साथ ही फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से आप एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और अलग अलग रेशो में जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। और गाइस अभी आप फोटोज के कुछ और सैंपल स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फोटोज की क्वालिटी है वो बेटर है, और ऑफकोर्स फोन आपको लो लाइट में अच्छे वीडियोज और इमेज प्रोवाइड करता है। बाकी जो कुछ कमियां थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस इस फोन का जो कैमरा है उसे मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेटर क्वालिटी की यहाँ पे आपको फोटोज और वीडियोज मिल जाती है। और वैसे गाइस आप किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा से फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कमियां तो आपको जरूर से मिलती है, जैसे कि अभी मेरे पास नोट 20 अल्ट्रा है तो इसमें भी कुछ कमियां मुझे लगती हैं। और गाइस वैसे अगर आप ओप्पो F19 प्रो प्लस को खरीदना चाहते हो कैमरा के मामले में तो आप बेशक से इसे कंसीडर कर सकते हो। और गाइस बहुत से लोगों का कहना है जो कंपनीज ऑफलाइन मार्केट में अपने स्मार्टफोन बेचती है वो अपने स्मार्टफोन का प्राइस महंगा रखती है, अगर हम वही सेम स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन जो है ऑनलाइन ब्रांड्स में देखें तो हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं। और गाइस ये बात कहीं ना कहीं सही है, और इसे मैं भी मानता हूँ, जो ऑफलाइन ब्रांड है वो अपने प्राइस थोड़े हायर रखता है। लेकिन गाइस जो लोग ऑफलाइन मार्केट से स्मार्टफोन परचेज करते हैं वो फोन को अपनी आंखों के सामने देखकर खरीदना पसंद करते हैं। और वैसे गाइस अगर आप ऑफलाइन मार्केट से स्मार्टफोन परचेज करते हो तो वहां पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो, और प्राइस डिफरेंस जो आपको मिलता है वो कम हो जाता है। सो गाइस ये था ओप्पो F19 प्रो प्लस का फुल कैमरा रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में अगर आप लोगों की क्वेरी है या फिर सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर इंस्टा और FB पे आ सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर से करूंगा। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो स्क्रीन पे चैनल का लोगो दिख रहा है यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक टाइम से आती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।